ओके बेटा, अब सेकेंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है सब ग्रुप्स, काउंटिंग प्रिंसिपल, अरेंजेस थ्योरम एंड साइक्लिक ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम सब ग्रुप क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब आपने ग्रुप तो पढ़ लिया है कि ग्रुप अंडर जी कोई आपका अलजेब्रिक सिस्टम होता है, अंडर स्टार ग्रुप कब बनता है। अब नॉन एम्प्टी सबसेट एच, मतलब जी जो है वो जो जो एच है सॉरी जो एच है वो जी का सबसेट होगा, वो इसका सब ग्रुप तब बनेगा जब वो इटसेल्फ ग्रुप होगा। तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए जी का, दूसरा अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, और जो ऑपरेशन ग्रुप पर है वही ऑपरेशन सब ग्रुप पर रहता है, डिफरेंट नहीं रहते, सेम ऑपरेशंस ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं। सो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर का मतलब है जो ऑब्वियसली हर बार बनेंगे ही बनेंगे सब ग्रुप, जो ऑब्वियसली बनेंगे ही बनेंगे। तो दो सब ग्रुप ऐसे होते हैं जो बनेंगे ही बनेंगे। एक सिंगल्टन ई सेट होता है, वो बनेगा ही बनेगा, उसको ट्रिवियल बोलेंगे। और जी इटसेल्फ अपना सब ग्रुप होगा ही होगा, क्योंकि जी अपने आप का सबसेट होता ही होता है और अपने आप में ग्रुप भी होता है, इसलिए वो ट्रिवियल सब ग्रुप है। और सिंगल्टन ई भी जी का सबसेट है और खुद अपने आप में ग्रुप बनता है। सिंगल्टन ई सेट पे आप सारी प्रॉपर्टीज़ लगा के चेक कर लो, वो खुद में ग्रुप बनता है। इट मीन सिंगल्टन ई और जी जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रिवियल और इम्प्रॉपर। और इन दोनों को छोड़ के, मतलब ना ई हो ना जी हो, इन दोनों को छोड़ के अगर कोई ग्रुप बन जाए तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ट्रिवियल नहीं बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल बोलेंगे, नॉन लिखा हुआ है, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आर अंडर एडिशन का सब ग्रुप बनता है क्यू अंडर प्लस। ठीक है, क्योंकि क्यू आर का सबसेट है और वो खुद में ग्रुप भी है। अब क्यू प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल्स, ठीक है, वो बनता है सब ग्रुप किसका, आर अंडर एडिशन का। तो आप ये सारे एग्जांपल्स पढ़ लो, सब ग्रुप के कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने जी ए लिया हुआ है, एच लिया हुआ है, 1-1 ये भी सब ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये इन्होंने लिया हुआ है जी लिया हुआ है यहाँ पर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब मैट्रिसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। और एच लिया हुआ है क्वार्टर नाइन ग्रुप ही है ना, तो वो उसका सब ग्रुप बनता है क्योंकि अपने आप पे ग्रुप बनता है, हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे कि एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है एच का, देन के सब ग्रुप होगा जी का। अगर एच जी का सब ग्रुप है, के फर्दर एच का सब ग्रुप है, तो के बड़े वाले का सब ग्रुप भी होगा, जी का भी होगा। इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, एच के का सबसेट है, देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ के। यहाँ पर दो सब ग्रुप दिए हुए हैं जी के, और अगर एच बाय चांस के का सबसेट बन गया तो H जो है वो K का भी सब ग्रुप हो जाएगा। नोटेशन, इफ H इज़ सब ग्रुप ऑफ G, देन इसको ऐसे लिख देते हैं सब ग्रुप के लिए, इस तरह का एरो डाल देते हैं। ठीक है, ये इस तरह का डाल देते हैं, सब ग्रुप के लिए नोटेशन होती है। अगेन, अगर H प्रॉपर सब ग्रुप है G का, तो इस तरह के स्ट्रिक्ट नोटेशन डालते हैं। ठीक है, लेस का साइन वैसे होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, एच इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है प्रॉपर, वो इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का बस सब ग्रुप बन रहे हैं, आपको शो करना है। तो आपको शो करना होगा कि जेड इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू विच इज़ ग्रुप इन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो सारी तीन चीज़ें शो कर दो। नॉन एम्प्टी तो पता है ही है, वो उसका सबसेट भी है ही है क्यू का। अब आप शो कर दो कि जेड अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर देना। ठीक है, तो इट मींस शो हो गया जेड अंडर एडिशन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप क्यू। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया, एक सेकेंड रुकना, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास टू। शो दैट एन जेड इज इक्वल टू, एन जेड दिए हुए हैं एन के मल्टीपल्स, जेड मतलब सारे मल्टीपल्स, इंटेग्रल मल्टीपल्स जिसको बोल सकते हैं आप, मतलब 0, 1, 2, 3 वाले लेने ही हैं, माइनस वाले भी लेने हैं। ठीक है, ये सारे इंटेग्रल मल्टीपल्स आ गए एन के, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जेड, आपने इसको जेड का सब ग्रुप शो करना है। ठीक है, ऑपरेशन लेना है एडिशन का, तो एन जेड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एन एम, वेयर एम इज़ एनी इंटीजर, मतलब एम कैन बी 0, 1, 2 ऑल्सो,
नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से ये इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ का एलिमेंट एनएम टाइप का होगा। अब यहाँ क्योंकि ये जो एनएम है दोनों के दोनों इंटीजर हैं, एन पर्टिकुलर फिक्स इंटीजर है, एम जो है वो चेंज हो रहा है, तो एन और एम दोनों इंटीजर हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होगी। इट मीन्स ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होंगे, तो एन जेड जो है वो जेड का सबसेट होगा क्योंकि सारे के सारे एन एम जेड में जा रहे हैं ना, तो इट मीन्स एन जेड इज सबसेट ऑफ जेड। नाउ वी शो दैट एन जेड सबसेट तो हो गया, नॉन एम्प्टी तो खैर है ही है, आप नॉन एम्प्टी भी लिख सकते हैं इसको कि एन जेड इज़ नॉट इक्वल टू 5, वो लिख देना चाहिए। नेक्स्ट आप शो करोगे अपने आप में ग्रुप बन रहा है अंडर एडिशन, उसके लिए मैंने दो एन जेड में से एलिमेंट लिए, एक्स एंड वाई, एक्स किस टाइप का होगा, एन फिक्स है ना, एन एम वन, वाई लिया एन एम टू, फॉर सम एम वन एम टू बिलोंग टू इंटीजर्स, एक्स माइनस वाई दोनों को माइनस किया, ये मेरे पास आ गया एन एम वन माइनस एम टू, ये माइनस करके एन कॉमन निकाल के ये आ गया। अच्छा इन्होंने माइनस नहीं करना चाहिए था, दे शुड हैव एडेड बिकॉज उन्होंने ऑपरेशन बोला था एडिशन का, तो माइनस नहीं प्लस कर दो, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन कर देना, ये करेक्शन है, ये माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा हर जगह, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी क्योंकि बड़े सेट के लिए जब एसोसिएटिविटी होल्ड हो तो उसके सबसेट के लिए भी होल्ड हमेशा होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढ लेना, जीरो आएगी, जीरो को लिख सकते हैं ना एन जीरो, अगर जीरो को एन जीरो लिख सकते हैं तभी तो इसमें जाएगा क्योंकि इसमें सारे एन के मल्टीपल्स पड़े हैं ना, तो जीरो एडिटिव एलिमेंट भी आ गया। इस तरह से इन्वर्स आप ढूंढ लेना, एन एम का बनेगा माइनस एन एम, माइनस एन एम क्यों बिलोंग करेगा एन जेड में, क्योंकि माइनस एन एम को आप लिख सकते हैं एन इंटू माइनस एम, तो हर एक एन एम का इन्वर्स एन जेड में जा रहा है, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। एग्जाम्पल थर्ड है, शो दैट सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये है, एंड सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर सब ग्रुप्स ऑफ द ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को जनरल में ऐसे लिखते हैं ना, सिस टू के पाई अपॉन 12, के की वैल्यू 0 से 11। जब भी थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तो वो लिखते हैं हम 2k π/3, के की वैल्यू लेते हैं 0, 1, 2, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तो हम लिखते हैं सिस 2k π/4, के की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये ट्वेल्थ रूट ऑफ यूनिटी लिए है तो यहाँ पर 12 लिखा है और k की वैल्यू 11 तक ली है। हमने शो करना है कि इस ये जो है ये दोनों जो हैं ये इसके सब ग्रुप हैं, तो पहले आप इन दोनों को ग्रुप शो कर दें अपने आप में, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, और ये जी का सबसेट भी बनेंगे क्योंकि जी में ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लिए हुए हैं और एच एन के में सिर्फ लिए हुए हैं थर्ड क्या कहते हैं थर्ड रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो डेफिनेटली बनेगा क्योंकि आप देख रहे हैं थ्री, ये हर बार सबसेट नहीं बनता, जरूरी नहीं कि थर्ड ऑफ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो सेवन्थ रूट ऑफ यूनिटी में डेफिनेटली सबसेट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ तब होता है जब थर्ड जो थ्री नंबर है आपका थ्री, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी से थ्री आ गया, क्यूब रूट थर्ड एक ही बात होगी ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से थ्री आ गया, ट्वेल्थ रूट ऑफ यूनिटी से सॉरी 12 आ गया, तो जो थ्री है वो 12 को डिवाइड करता है ना, तो इसलिए ये वाले इसको पक्का बिलोंग करेंगे। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 12th रूट ऑफ यूनिटी का सबसेट बनेंगे बिकॉज 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, इसलिए ये दोनों नंबर्स डेफिनेटली इसको बिलोंग करेंगे। अगर यहाँ पर 12th रूट ऑफ यूनिटी की जगह 14th रूट ऑफ यूनिटी दिया होता तो एच और के इसका सबसेट नहीं बनते क्योंकि 3 ना 14 को डिवाइड करता है और ना 4 14 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो अकॉर्डिंगली दिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसेट तो है, वो लिख देना एक लाइन में कि एच एन के आर सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जी, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख देना कि एच एन के आर सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जी एंड इटसेल्फ में ग्रुप बन रहे हैं, ये शो करके दिखा देना, ये हमने प्रीवियसली ग्रुप में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स, पहली प्रॉपर्टी है कि जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो ग्रुप वाली आइडेंटिटी ही होती है, डिफरेंट नहीं होती। सो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ई एंड ई डैश बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट्स, दोनों के अलग अलग ले लिए और हम दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अब आप ए को एच एलिमेंट का लो, ए ई डैश इज इक्वल टू ए, डेफिनेशन लगा दो बिकॉज ए बिलोंग टू एच, एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, तो ए जो है वो जी में भी जाएगा, तो इट मीन्स जो ए जी का एलिमेंट है तो ए ई इज इक्वल टू ए बिकॉज ई आइडेंटिटी अब जी की है, तो जी की आइडेंटिटी यूज़ करो। यहाँ पर हम एच की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे बिकॉज ए एच का एलिमेंट मान रहे थे। अब क्योंकि राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम होंगी, ए और ए कैंसिलेशन लॉ लगा तो लेफ्ट वाला ई इज इक्वल टू ई डैश आ गया, इट मीन्स सब ग्रुप और
ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में हम शो करेंगे सब ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो इन्वर्स बनता है और जो ग्रुप में जो इन्वर्स बनता है वो सेम रहते हैं। ठीक है, उसके लिए आइडेंटिटी पहले सेम जो है वो ले लो, ई ए एच का एलिमेंट ले लो क्योंकि एच जी का सबसेट है तो ए एलिमेंट जी में भी जाएगा। लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ ए इन एच एंड सी बी द इन्वर्स ऑफ ए इन जी। पहले मान लिया कि इन्वर्स अलग अलग है, बी ए इज इक्वल टू ई, सी ए इज इक्वल टू ई, बी ए इज इक्वल टू सी ए, राइट कैंसिलेशन लगा के बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं अब तक तो, आई थिंक आपको थोड़ा ग्रुप अच्छे से होल्ड होना शुरू हो गया होगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं आपके लिए। नेक्स्ट हमने शो करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है सब ग्रुप में जो है वही ग्रुप में रहेगा, चेंज नहीं रहता ग्रुप का ऑर्डर जो है सब ग्रुप का एलिमेंट का जो है, जो एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप में बना था वही एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप में रहता है। तो लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, ए एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर एन ले लिया। अब हम शो करेंगे कि ए का ऑर्डर एन ही रहेगा ग्रुप में भी। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू ई, इट इम्प्लाइज ए एम इज नॉट इक्वल टू ई फॉर एवरी एम लेस देन एन। इस लाइन का मतलब है कि एन की ऑब्वियसली ए की पावर में ऑर्डर करके तो ई आता ही आता है। अब इन्होंने लिखा हुआ ए एम इज नॉट इक्वल टू ई फॉर एवरी एम लेस देन एन, मतलब अगर एम कोई है एन से लेस, मतलब ऑर्डर से छोटा कोई नंबर उसको ई नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑल्सो ए एच को बिलोंग कर रहा है तो जी को बिलोंग करेगा बिकॉज एच का जी का सबसेट है। तो ए एन इज इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी, मतलब क्योंकि एन से छोटा कोई नंबर उसको ई नहीं बना पा रहा, जी में भी नहीं बना पाएगा, तो एन जो है वो सबसे छोटा नंबर है, सबसे पॉजिटिव इंटीजर है जो उसको ई बना रहा है जी में भी, इट मीन्स ए का ऑर्डर बन गया एन। ठीक है, हैंस ऑर्डर रिमेन्स द सेम। सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज बिलियन। अब आपने शो करना है अगर जी बिलियन है तो एच भी बिलियन होगा, दो एलिमेंट लिए एच में से। अब देयर फोर अब एच में गए हैं तो जी में जाएंगे, इट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट एच में ले जाओ लो आप वो जी में जा रहे हैं तो वो कम्यूट कर जाएंगे, हैंस एच इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप। कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट इज फॉल्स, मतलब अगर एच बिलियन है तो जरूरी नहीं कि उसका ग्रुप भी बिलियन होगा। ठीक है, सब ग्रुप में भी ए बिलियन बट जरूरी नहीं है कि अगर ग्रुप बिलियन हो हर बार, सब ग्रुप में भी ए बिलियन इवन ग्रुप इज नॉन ए बिलियन। उसके लिए एग्जांपल ले लिया सेटम 1-1 और 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों नॉन, ये दोनों ए बिलियन है। ठीक है, ये दोनों ए बिलियन है और दोनों सब ग्रुप हैं Q8 के, Q8 खुद नॉन ए बिलियन होता है, ये मैंने आपको प्रीवियसली समझाया हुआ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये हुआ है IE12 I123132, ये दोनों सिमेट्रिक ग्रुप जो आपने पढ़े थे ना परम्यूटेशन वाले, ये उन दोनों के सब ग्रुप बनते हैं, ये खुद में बिलियन बनते हैं, आप चेक कर सकते हैं कम्यूट हो रहे हैं ये, बट S3 नॉन कॉम्यूटेटिव होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है मैंने कहीं भी शो करवाया हुआ है कि S3 इज नॉन कॉम्यूटेटिव, नॉन ए बिलियन, प्रूफ कर लेना S3 को नॉन ए बिलियन, नहीं हो पाया तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ए बिलियन ग्रुप में ऑल्सो हैव अ नॉन ए बिलियन सब ग्रुप। अब ग्रुप खुद नॉन ए बिलियन है, उसका सब ग्रुप भी नॉन ए बिलियन है, ये आपने पढ़े हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं SLNNR, पहली एक्सरसाइज में पढ़े थे SLNR और GLNR पढ़ा था, यहाँ पर पर्टिकुलरली एन की जगह टू लिया हुआ है। एन का मतलब होता है मैट्रिसेस का ऑर्डर, जो इसमें मैट्रिसेस लोगे ना, यहाँ पर टू लिया मतलब टू ऑर्डर के ले रहे हो। SL2R जो है उसमें आप लेते हो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट यूनिट होता है, यहाँ पर लेते हो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो ये नॉन ए बिलियन बनता है, ये भी नॉन ए बिलियन बनता है, मैट्रिसेस में जो कॉम्यूटेटिविटी होती है वो होल्ड नहीं होती है, हैंस ये दोनों, ये भी नॉन ए बिलियन है सब ग्रुप, ये ग्रुप है ये भी नॉन ए बिलियन है। S3 नॉन ए बिलियन सब ग्रुप है, नॉन ए बिलियन ग्रुप S4 का। S3 में 3 पर परम्यूटेशंस करी थी आपने, S4 पे 4 पे हो जाएंगी। ठीक है, ये परम्यूटेशन चैप्टर में आई थिंक, अब पता नहीं आपके परम्यूटेशन चैप्टर अलग से मेरे ख्याल नहीं है सिलेबस में, एनीवेज S3 मेरे को बाद में टाइम मिलेगा मैं आपको S4 में डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल बस इतना याद रखना S3 जो है वो नॉन एबिलियन सब ग्रुप है S4 का। ठीक है, और कंपोजिशन क्या लेना है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।